दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जुहान्स फैमिली में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तीन छोटे छोटे से टिप्स जो कि बहुत ही हैं यूज़फुल और आपको डेली लाइफ में बहुत आसानी पैदा करेंगे। तो ये है छोटी सी टिप, कड़ी लीव्स, कड़ी पत्ता, जो कि होते हैं हमारी दालों की जान, और इसके भगार से तो दाल का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। लेकिन हम इसे रोज़ाना मार्केट से नहीं ला पाते तो हम क्या करेंगे, कड़ी पत्ता जो है वो सेव करने का तरीका बताएंगे। तो इसके लिए बहुत ही छोटी सी टिप है, सिंपल। आपको कड़ी पत्ता लाना है और उसे तोड़ के रख लेना है, किसी अखबार पर बिछा दें या आप किसी शॉपर पर बिछा दें। मैंने तो किसी शॉपर पे फैला दिए थे। अच्छा, कल ये मैंने कड़ी पत्ता शॉपर पे फैला के नॉर्मल टेबल पे रख दिया था, तो आज जो है वो अच्छी तरह से सूख चुका है। तो जब आपके कड़ी पत्ते ड्राई हो जाए वो एक दिन बाद, तो आपको क्या करना है, किसी एयर टाइट बॉक्स में या किसी एयर टाइट बर्नी में, या ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप किसी एयर टाइट प्लास्टिक बैग में ये कड़ी पत्ता रख दें। तो आप अब इसे 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकेंगे। इसकी खुशबू भी रहेगी बरकरार और आपको आपको इसके भगार का मज़ा भी आता रहेगा। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो लाइक कर दे, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आ जाते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो मेरे पास है हरी मिर्च। हरी मिर्च का क्या होगा दोस्तों कि हम इसे पसंद तो करते हैं खाना, लेकिन इसे काटना बिल्कुल भी नहीं करते पसंद, क्योंकि इससे क्या होता है, होती है हमारे हाथों में जलन। तो हम ले लेंगे सरसों का तेल जो हर घर में होता है मौजूद, और उसे अपनी हथेलियों पर लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो मिर्चें काटने से होती है हमारे हाथों में जलन, तो वो अब जलन बिल्कुल भी नहीं होगी। और बहुत ही सिंपल सी टिप है दोस्तों ये, बस आपको ऑयल लगाना है और अपनी हरी मिर्च आप आराम से काटें, तो आपके हाथों पे जलन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब आसानी से आप अपना काम कर सकेंगे। अब है लेमन। टिप नंबर 3 में बताऊंगी कि लेमन को हमें किस तरह से सॉफ्ट करना है। लेमन तो हम ले आते हैं और इसे फ्रिज में भी रख देते हैं, तो समटाइम क्या होता है, लेमन जो होता है बहुत हार्ड हो जाता है और उसका रस हम नहीं निकाल पाते, और हमारे पास लेमन स्क्वीज़र भी मौजूद नहीं होता, लेमन निचोड़ने वाला। तो हमें क्या करना है, हम उसे अपने हाथों से प्रेस करेंगे, जिस तरह चाहे उस तरह प्रेस करते जाएं। 1 मिनट तक हम इसे प्रेस करते जाएंगे, और जिस तरह भी आप इसको चाहें प्रेस करें, ऐसे करें वैसे करें, दब पे लेमन जो हार्ड होता है जिसका रस नहीं निकल पाता, तो आसानी से उसका रस जो है वो निकल आएगा। अब देखिए लेमन हो गया था सॉफ्ट। अभी मैं आपको काट के दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से जो है वो इसका रस निकल आएगा। जी तो दोस्तों, इस तरह करने से आपकी प्रॉब्लम भी हो जाएगी सॉल्व। ये तीनों बहुत ही सिंपल से टिप्स हैं, छोटी छोटी सी टिप्स। मज़ीद अच्छी टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखें, लेमन हो जाएगा बिल्कुल सॉफ्ट। ये आपको करके ज़रूर देखनी है दोस्तों। इसी तरह करती हूँ मैं, जब भी लेमन हार्ड हो रहा होता है मैं इसको इस तरह प्रेस करती हूँ और आसानी से हो जाता है मेरा काम। दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया। और लेमन तो हमने निकाल लिया है, लेकिन लेमन के जो सीड्स हैं वो रह जाते हैं। अब इसका भी मैं एक सिंपल सा आपको तरीका बताऊँ। आपको ले लेना है एक कांटा और उसकी मदद से आप निकाल लेंगे बीज। तो हमारे जो लेमन के जूस में बीज हैं वो भी निकल आएंगे सिंपल तरीके से। दोस्तों अच्छी लगी ना मेरी टिप्स, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।